डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की संघर्षपूर्ण कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। न्याय यात्रा पर निकली छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कहा कि उन्हें यात्रा बंद करने के लिए धमकियां मिल रही हैं। निशा ने कहा, मेरे साथियों के जरिए मुझे धमकाया जा रहा है कि इस यात्रा को बंद कर दें। क्या पता राजनीति में कब आप पर गोली चल जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा और ट्रक कुचल कर निकल जाएगा। हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार होंगे। निशा बांगरे की यात्रा का आज तीसरा दिन है। इसके पहले वे शुक्रवार रात सारणी पहुंची। जय स्तंभ चौक पर उन्होंने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। आज सुबह उन्होंने वीडियो जारी कर धमकी मिलने के आरोप लगाए। इसके बाद वह शाहपुर के रास्ते भोपाल के लिए रवाना हो गई। इस्तीफा मंजूर कराने निकाली न्याय यात्रा। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे बैतूल जिले के आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने 22 जून को डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की। वह आमला से पैदल चलते हुए भोपाल में सीएम हाउस तक जाएंगी। करीब 335 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के बाद वह 9 अक्टूबर को भोपाल में सीएम हाउस के सामने आमरण अनशन करेंगी। निशा बांगरे ने शनिवार सुबह वीडियो जारी कर धमकी मिलने के आरोप लगाए। कुछ भी होता है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। निशा बांगरे ने बताया, खुले आसमान के नीचे हमने रात गुजारी। यह इसलिए तय किया गया ताकि एहसास हो कि कैसे लोग इस तरह जीवन बसर करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें इसके लिए विवश कर दिया है। मेरे साथियों को कहा जा रहा है कि यात्रा बंद कर दो, इटारसी होशंगाबाद से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मेरा मध्य प्रदेश शासन जिला प्रशासन से कहना है कि वह इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लें। अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार जिला प्रशासन होगा। शिवराज मामा हमारे साथ हुई किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार होंगे। बैतूल में पदस्थ रहते हुए काफी सक्रिय थी निशा। मूलतः बालघाट जिले की रहने वाली निशा बांगरे आमला के एरोड्रम के पास अपना मकान बना रही हैं। बैतूल में डिप्टी कलेक्टर रहते हुए वे आमला विधानसभा क्षेत्र में बेहद ज्यादा सक्रिय रही थीं। इसके बाद भोपाल और छतरपुर में पदस्थ रहने के दौरान भी उनका आमला से नाता जुड़ा रहा। वो यहाँ आयोजित सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। MP में चुनाव लड़ने पर अड़ी डिप्टी कलेक्टर की न्याय यात्रा। छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली अफसर निशा बांगरे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुझे चुनाव लड़ने से रोक रही है, जानबूझकर मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करने पर वे आमरण अनशन पर बैठेंगी। पूरी खबर पढ़ें। लेडी डिप्टी कलेक्टर का सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम। इस्तीफा ना मंजूर होने से नाराज छतरपुर की लेडी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 1 दिन में मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, नहीं तो गुरुवार से मैं समर्थकों के साथ सड़क पर उतरूंगी और अनशन करूंगी। चुनाव लड़ने पर अड़ी डिप्टी कलेक्टर की न्याय यात्रा। निशा बांगरे ने मध्य प्रदेश सरकार पर प्रताड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए मैंने यज्ञ की शुरुआत भी की है। मेरे मामा यहाँ पर भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं, वह इसलिए कि सरकार एक भांजी पर अत्याचार ना करे। अब मैं भोपाल पहुंचकर आमरण अनशन शुरू करूंगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री के गृह ग्राम जैत होकर जाऊंगी। मेरी यह पद यात्रा 9 अक्टूबर तक चलेगी। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।